आज हम करने वाले हैं सेंसरी सिस्टम ऑफ एम्फक्स तो सबसे पहले हम इसका पहला सेंसरी ऑर्गन कर रहे हैं दैट इज आई स्पॉट आल्सो एज नाम से ही पता चल रहा है आई स्पॉट एक्चुअल में वेल डेवलप्ड आई नहीं है जस्ट एक स्पॉट है इसको ओसीलाई भी कहते हैं काम है इसका विजन करना देखना तो so, इसको फोटो रिसेप्टर कहा जा सकता है फोटो मतलब लाइट लाइट को रिसेप्ट करने वाला ऑर्गन इज फोटो रिसेप्टर ब्लैक ब्राउन कप शेप का होता है ये ये आप देख रहे हैं ब्लैक ब्राउन एंड कप शेप का होगा डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होगा एंड डिफरेंट डायरेक्शन से ये लाइट को परसीव करेगी मेनली ये न्यूरल कोड या नर्व कोड की वेंट्रोलेट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं अब देखिए इसमें अगले हिस्से में यहां पर आप एक सेल देख रहे हैं दिस इज पिगमेंट सेल पिगमेंट सेल को मेलानोसाइट भी कहा जाता है मतलब ऐसा सेल जो कि कोई पिगमेंट रिली आ, पिगमेंट बनाएगा इसके नीचे प्रेजेंट है फोटोसेंसिटिव सेल दिस इज बेसिकली ओसी लाइट अब ये जो फोटोसेंसिटिव सेल है ये नर्व फाइबर के थ्रू कनेक्ट होता है कहाँ पे नर्व कोड में कनेक्ट होता है जैसे हमारे क्या होते हैं ह्यूमन बींग्स केस में ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो आई होती है वो कनेक्ट होती है ब्रेन से वैसे यहाँ पे नर्व फाइबर के थ्रू इसका कनेक्शन होगा ब्रेन से नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट ये भी क्या है एक स्पॉट है पिगमेंट स्पॉट और वो भी सिफेलिक रीजन में प्रेजेंट है मतलब कि हेड हेड रीजन में प्रेजेंट है लार्ज मीडियम स्पॉट है ये ऑन इंटीरियर वॉल ऑफ सेरिब्रल वेसिकल सेरिब्रल वेसिकल ब्रेन का पार्ट है इसमें लेंस प्रेजेंट नहीं होते ऑसिलई को प्रोटेक्ट करती है ये मतलब आई स्पॉट को प्रोटेक्ट करने वाला स्पॉट है ये No इसका एक्चुअल काम फोटो रिसेप्शन नहीं है लाइट को परसीव नहीं करती जस्ट लाइट परसीविंग ऑर्गन को, यानी कोई को प्रोटेक्ट करके रखती है इसको सेरिब्रल आई भी कहा जाता है। अब यही डायग्राम दोबारा देखते हैं ये जो हमने देखा ये वाला स्ट्रक्चर दिस वॉज ओसिलई और आई स्पॉट। इसके ऊपर ये जो प्रेजेंट है दिस वन इज पिगमेंट सेल सिफेलिक पिगमेंट स्पॉट भी बोल सकते हैं इसको तो ये जो हमारी आई है एम्फक्स की इसको प्रोटेक्ट करने का काम है इसका पिगमेंट का। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन पिट ये सेरिब्रल वेसिकल के रूफ पे प्रेजेंट होता है टॉप पे प्रेजेंट होता है एक कीमो रिसेप्टर है काम है इसका ऑल फैक्शन करना स्मेल करना ऑल फैक्ट्री पिट माना जाता है इसको मतलब एक ऐसा गड्ढा है जो कि स्मेलिंग का काम करता है लार्वल न्यूरोपोर का भी मार्क है न्यूरोपोर एक ऐसा पोर है जो कि नर्व कोड की ओपनिंग uh, को रिप्रेजेंट करता है तो लार्वा में ये कॉलिकर पिट न्यूरोपोर को मार्क करता है वहां पर प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज हेटस्टेक पिट हेडस्टेक पिट जो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में कर चुके हैं हेटस्टेक ग्रूव के पास होती है इट इज बेसिकली सेंसरी इन नेचर जो पानी आ रहा होता है बाहर से कैरिंग फूड पार्टिकल उसको ये सेंस करती है नेक्स्ट वन इज इनफंटिबुलर ऑर्गन ये जो इनफंटिबुलर ऑर्गन है दिस इज अ डिप्रेशन डिप्रेशन एट द फ्लोर ऑफ सेल वेसिकल वेसिकल के बेस पे होती है एक डिप्रेशन विच इज फॉर्मड ऑफ सीलिएटेड कोलमनर सेल्स अब ये देखिए ये मान लेते हैं सेरिब्रल वेसिकल है सेरिब्रल वेसिकल के बेस पे अब ये सीलिएटेड कोलमनर सेल्स देख रहे हैं आप ऐसे कोलमनर सेल्स जिनमें से सीलिया निकल रहा है ये क्या करते हैं जो ब्रेन के अंदर सैरिब्रोस्पाइनल फ्लूड होता है उसके प्रेशर को सेंस करता है उसका प्रेशर इंक्रीज ना हो जाए या डिक्रीज ना हो जाए उसको सेंस करता है so Next, जो नर्व की जो एंडिंग्स होती है वो भी सेंसरी काम करती हैं तो इनको सेंसरी ऑर्गन माना जाता है दे आर रिसेप्टर्स रिसेप्टर कोई भी ऐसे रिसेप्टर जो कि बॉडी के अंदर के स्टिमुलस को सेंस करते हैं रिस्पोंड करते हैं इसको हम कह सकते हैं ऐसे द ऐसेप्टर विच रिस्पोंड टू टिमुलस इनसाइड बॉडी तो ये जो प्री नर्व एंडिंग्स हैं ये मसल के अंदर के जो स्टिमुलस ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको रिस्पोंड करती हैं और फिर उसके रिस्पॉन्स में ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है नेक्स्ट है एपिले तो जहां भी आ जाए सेंसरी काम होगा ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस पे की। अग। <दौण> अग। पे की साइड ज्यादा एबंडेंट होते हैं और ओरल पे एबंडेंट होते हैं टेक्सटाइल मतलब है टच सेंसिटिव एंड कीमो रिसेप्टर भी हैं कीमो रिसेप्टर में भी बेसिकली गस्टेटरी रिसेप्टर गस्टेटरी मतलब जो, 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 जो कोई भी टेस्ट वगैरह को रिसेप्ट करते हैं एंड ऑल फैक्टर रिसेप्टर भी हैं मतलब स्मेल को भी सेंस करते हैं दैट्स ऑल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नर्वस सिस्टम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो